आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए, यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे, क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है, इसको गहराई से समझिए बहनों और भाइयों। आपने बहुत देख लिया है, मेरे किसान भाई बैठे हैं, कितना जूझोगे? पूछना चाहती हूं आपसे, कितना सहोगे?